गाइज एक नई न्यूज़ आ रही है हॉलीवुड से। हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज़ ने एक मेगा प्रोजेक्ट के लिए यूनिवर्सल पिक्चर्स को रेडी कर लिया है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो शूटिंग होगी इसकी, वो आउटसाइड यूनिवर्स होगी, मतलब कि अपने ब्रह्मांड पे नहीं होगी। थोड़ी ही शूटिंग इसकी मून पे होने वाली है। इस मूवी में जो खर्चा आने वाला है वो है 1500 करोड़ रुपये का खर्चा, जिसके लिए टॉम क्रूज़ ने यूनिवर्सल पिक्चर्स को रेडी कर लिया है। वो रेडी भी हो गए हैं। इस पिक्चर्स में आप विश्वास नहीं मानेंगे, कम से कम 3-4 डायरेक्टर एक साथ काम करने वाले हैं, जिसमें कि मिशन इम्पॉसिबल 5, 6, 7 के डायरेक्टर एक साथ काम करेंगे इसकी स्क्रिप्ट पे। इसकी स्क्रिप्ट जो है स्टोरी एडवाइज़र और प्रोड्यूसर का जिम्मा निभाएंगे मैकवायर स्टोरी, और वहीं लीमैन इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने पर काम कर रहे हैं। लीमैन ग्रुप के साथ एज ऑफ टुमारो और अमेरिकन मेड जैसी फिल्म दे चुके हैं पहले भी। तो गाइज ये फिल्म बहुत ही बड़े स्केल पे बनाई जाएगी, और देखना होगा कि इस फिल्म का कैसा क्लाइमैक्स होगा। होप इसका क्लाइमैक्स बहुत अच्छा हो। देखते हैं कि क्या होता है, मूवी कैसी होती है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि टॉम क्रूज़ बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी लेके आए हैं हमारे साथ। मिशन इम्पॉसिबल जैसी सीरीज़ जो काफ़ी अच्छी है, हमको काफ़ी पसंद है। टॉप गन मैवरिक दिसंबर में रिलीज़ होने वाली है, जो 34 साल बाद आ रही है मूवी। उसका जो पहला पार्ट था वो 34 साल पहले आया था, और अब जो है 34 साल उसका दूसरा पार्ट आ रहा है, टॉप गन मैवरिक। तो गाइज़ इस ये मूवी की शूटिंग फिलहाल अभी तो स्टार्ट नहीं होगी। मुझे लगता है कि ये मूवी की शूटिंग 2021 में ही स्टार्ट होगी, और ये मूवी शायद 2022 तक ही रिलीज़ होगी, क्योंकि इस मूवीज़ में जो विजुअल इफेक्ट्स होंगे, VFX होंगे, वो बहुत ही हाई लेवल के VFX होंगे। गाइज एक बड़ी खबर और है इस मूवी के साथ, कि इस मूवी के साथ मतलब इस मूवी में काम कर सकते हैं एलन मस्क। टॉप मतलब काफ़ी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं पूरे कंट्री के। उनकी कुछ स्पेस एक्स करके उनकी कंपनी है, जो काफ़ी जो स्पेस में अपने रॉकेट्स को बेचती है। तो इस मूवी में उनका भी कुछ ना कुछ रोल हो सकता है। तो देखना दिलचस्प होगा ये मूवी कैसी होगी। आप बताइए, आपको ये खबर सुन के कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए।